हेलो एवरीवन, हियर आई एम निकिता गौतम ऑफ क्लास 11 गन्ना एक बैच जेई फ्रॉम सिद्धि विनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड IIT. अवर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज एंड प्रोग्राम विच वॉज ज्ञानोत्सव विच वॉज बेसिकली अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो हियर आई एम, सो टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक विच वॉज लोकेशन ऑफ रूट्स. इट इज़ एन सब टॉपिक फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो लोकेशन ऑफ रूट्स के आज हम तीन टाइप्स करेंगे. सो द टाइप फर्स्ट विच वेयर द बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो एंड हियर के इज एनी नंबर. So the when any quadratic equation there is a is greater where a is greater than zero, then उसका graph जो होगा ऐसा होगा. इसमें condition होगी d is greater than equals to zero and f of k is also greater than zero and minus b by 2a is greater than zero. उसी में second case आता है इसी में when a is less than zero. इसमें भी conditions आती है d is greater than equals to zero but f of k जो हो जाता है वो हो जाता है less than ज़ीरो और माइनस बी बाय टू ए वाली कंडीशन जो है वो सेम होती है उसमें भी और इसमें भी. सो हियर इज क्वेश्चन विच वॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्सीड्स बाय नंबर तो इसमें हम वो तीनों केसेस लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा था. फर्स्ट केस जो है वो था डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो. तो डी जो एक्चुअल होता है वो था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो यहाँ पे बी जो है वो वन है माइनस फोर, ए भी हमारा वन है और सी जो है वो ए है. तो हम इसमें कंडीशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस फोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो. तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा वन बाय फोर. ये हो गई हमारी पहली कंडीशन. हम इसमें दूसरी कंडीशन लगाएंगे वेन एफ ऑफ k इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो दिया हुआ है हमारा पॉजिटिव. तो इसमें कंडीशन लगाएंगे एफ ऑफ k, मतलब यहाँ एफ ऑफ k की जगह एफ ऑफ k कंडीशन थी इसलिए हम यहाँ पे k की जगह पे a पुट करेंगे. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिया वहाँ पे हम a को रिप्लेस कर देंगे. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो यहाँ से हमको ए की दो वैल्यू मिल जाएंगी, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और ए इज़ ग्रेटर देन माइनस टू. इसमें और एक कंडीशन होगी वो है माइनस बी बाई टू ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. यहाँ पे बी की वैल्यू दी है माइनस, बी की वैल्यू दी है वन, यहाँ पे माइनस बाय टू. ए की वैल्यू भी दी है वन और यहाँ पे सॉरी ए आएंगे. तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. तो यहाँ हमारे पास ए की तीन वैल्यू आ गई. अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इसका आंसर होगा. तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू. तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा. ये जो हमारा फर्स्ट जो टाइप था वो कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के साथ. आई होप आप लोग समझोगे. अब टाइप टू. टाइप टू एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन के वन एंड के टू. यहाँ पे जो के वन है के टू वो फिर से एक नंबर है. इसमें हम केस बनाएंगे ए अगर पॉजिटिव होगा तो ये होगा हमारा ग्राफ. यहाँ पे होगा के वन, ये वहाँ पे होगा के टू और इन दोनों के बीच में कोई भी एक रूट लाई करना चाहिए. इसी में और दूसरा ग्राफ भी ऐसे बन सकता है के वन के टू. ये जब ए नेगेटिव होगा तो उसको उल्टा हो जाएंगे. इसका जो पैराबोला है वो नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग का बन जाएगा. तो इसमें कंडीशन आती है एफ ऑफ के वन K2 is less than zero. तो इस टाइप को भी हम एक क्वेश्चन करके अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए.
इसके जो रूट्स है वो ब्लाइक कर रहे हैं -2 से 0 के बीच में, तो इसमें भी हम कंडीशंस लगाएंगे। हमारी कंडीशन थी एफ ऑफ के वन एंड के टू इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे K1 की जगह हम पुट करेंगे -2 और K2 की जगह पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे जितने भी x दिए पहले उसको -2 से रिप्लेस करेंगे और फिर रिप्लेस करेंगे 0 से। तो अगर हम -2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m। अब इसके बाद 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएंगे और फिर यहाँ पे होगा m स्क्वायर प्लस 6m इज़ लेस देन 0। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4m माइनस 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m और यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, मतलब m, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर यहाँ से m कॉमन निकालेंगे, तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 6m। यहाँ से m कॉमन आउट हो जाएगा, तो इसको अगर हम यहाँ से m कॉमन आउट निकालेंगे तो ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से भी m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा m प्लस 6। अब इसको हम नंबर लाइन से बनाएंगे, तो एक इसका रूट 0 होगा, एक -2 होगा और एक 6 होगा। तो सबसे पहले हम -6 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे और फिर रखेंगे 0, तो ये माइनस प्लस, यहाँ पे 2 पे पावर इवन है इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे पावर इवन है इसीलिए -2, मतलब यहाँ पे पावर इवन है इसीलिए माइनस का यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अगर पावर ऑड होती है तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाता, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो हम इनकी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 से -2 यूनियन -2 से 0। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। अब हम करेंगे थर्ड टाइप। इसमें जो दोनों रूट्स होते हैं वो आइदर साइड्स लाई करते हैं, एक इधर और एक उधर, मतलब बोल सकते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन और 1 इज़ लेस देन एनी नंबर विच वॉज गिवन। Both roots on either side of K. ये हमारा K हो जाएगा, तो इसके आइदर साइड मतलब एक रूट इधर और एक रूट इधर, मतलब बोल सकते हैं 1 रूट इज़ लेस देन K और 1 रूट इज़ ग्रेटर देन K। अगर A हमें नेगेटिव दिया है तो इसमें जो पैराबोला है वो उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे K हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएंगे, इसमें भी वही है आइदर साइड ऑफ K। इसमें कंडीशन होती है a ऑफ f ऑफ k इज़ लेस देन 0, तो इसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। x² + k + 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के -8 इज इक्वल्स टू 0। इट इज़ एक्सीड्स और लेस देन 2, एक्सीड्स देन 2 और लेस देन 2। तो इसमें भी हम वही कंडीशन लगाएंगे जो थी, जो हमें टाइप 3 पढ़ा उसमें कंडीशन थी a ऑफ f ऑफ k इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा 1 है और f ऑफ k की जगह हम वैल्यू 2 पुट करेंगे और यहाँ पे जितने भी x दे उसको रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 4² - k
के प्लस वन का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स भी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट इज लेस देन ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फोर, टू का स्क्वायर फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और ये बाहर का टू प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट इज लेस देन ज़ीरो। फोर माइनस ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ फोर के प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट इज लेस देन ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो हो जाएंगे माइनस ऑफ के स्क्वायर फोर माइनस सिक्स माइनस फाइव के माइनस टेन माइनस सिक्स इज लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस सिक्स, और यहाँ पे इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएंगी जब भी हम साइन चेंज करते हैं। तो इसके रूट्स हो जाएंगे के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो यहाँ से के कॉमन आउट आ जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे के प्लस टू यहाँ पे थ्री कॉमन आउट आ जाएंगे प्लस थ्री तो यहाँ पे बच जाएगा के प्लस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो। फिर यहाँ से के प्लस थ्री और यहाँ पे हो जाएगा के प्लस टू तो यहाँ पे हमें के की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, के इज़ ग्रेटर देन माइनस थ्री और के इज़ ग्रेटर देन माइनस टू। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ रूट्स। थैंक यू।